यूनुस एमरे सीजन 1 एपिसोड 8। यूनुस जो है शेख साहब के कुल्हाड़े वगैरह लेके बिना मांगा की जो है दुकान पे जाके देना होता है उसने, उसको शेख साहब ही ये हुक्म देते हैं, या फिर किसी ने देखा होगा, वो लेके जा रहा होता है। रास्ते में वो जोर से फेंकता है तीनों चारों चीजों को, जो कुल्हाड़े कुदाले उसके पास होती है, कुएं के पास शेख साहब की जो बेटी है वो भी वजू कर रही होती है, वो उसको फेंकता है और कहते हैं कि अब तुम यही काम करोगे, मैं नहीं जानता। वो बार बार यही कही जाता है, मैं नहीं जानता। आगे थक्का हार के वो उसको दोबारा उठाता है कुल्हाड़ों को और मैं नहीं जानता कहता हुआ फिर बाजार की तरफ चल पड़ता है। बाजार में पहुंचता है, वो छुप के देखता है, बहुत सारे लोग होते हैं बिराम आगा की दुकान के आगे, तो वो उसको शर्म आती है कि मैं ये लेके जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, तो वो फिर वापस आ जाता है और आके दूर एक दख्त के नीचे बैठ जाता है और यही सोच लगता है कि तुम क्या बनने आए थे, तुम एक काजी थे और अब ये कुल्हाड़े उठा के लोगों को देने जा रहे हो, और दख्त के साथ टेक लगाए वहां पे ही सो जाता है। दूसरी तरफ जो शेख साहब जो है कासिम आगा से पूछते हैं क्या यूनुस नहीं आया अभी तक, वो कहते हैं कि नहीं शेख अभी तक नहीं आया। उसी टाइम जो एक जो शेख साहब के घर में कुत्ता जिन्होंने उन्होंने पाला होता है वो वहां पे आ जाता है और वो उसको कहते हैं कि तुम कहाँ फिरते रहते हो, सारा दिन आवारागर्दी करते रहते हो, मुझे पता है तुम्हें पट्टा डाल के कैसे वापस अपने घर लेके आना है। ये बात वो जो है कुत्ते से करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ख्वाब में भी यूनुस को यही आ रहा होता है कि शेख साहब उसको पट्टा डाल के घसीटते हुए दरगाह की तरफ लेके जा रहे हैं। ये ख्वाब देखे फड़फड़ा के उठ बैठता है और परेशान हो जाता है। यूनुस जल्दी से उठता है और कुल्हाड़े उठाता है और दोबारा बाजार की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि सो गया था और सोए होते शाम हो जाती है। जैसे ही बाजार दोबारा बिराम आगा की दुकान पर पहुंचता है तो देखता है दुकान बंद है। एक बंदे से पूछता है कि बिराम आगा कहाँ पे है तो बताता है वो तो शिकार पे चले गए। ये सुन के यूनुस वापसी की राह लेता है और वापस आ जाता है दरगाह। यूनुस दरगाह वापस आता है, वो जाकर देखता है कि सब कमरे में नहीं होते, कासिम आगा लाइला का वर्ड कर रहा होता है। कासिम आगा उससे पूछते है क्या उजार दिया है, आगे से जो है यूनुस कहता है मैं नहीं जानता। कहते क्या मतलब, शेख साहब को भी क्या यही कहेंगे मैं नहीं जानता, वो कहता हाँ मैं नहीं जानता, और शेख के घर की तरफ चल पड़ता है क्योंकि शेख अपने घर पे होता है। शेख की बेटी अपनी माँ से कहती है कल अशूरा का दिन है और शेख अपने दरवेशों को बागबानी के औजार ठीक करवाने के लिए भेज रहे हैं, हालांकि कल बड़ा दिन है, खाना वगैरह पकना है, यहाँ पे काम ज्यादा है, लेकिन बागबानी के औजार क्यों दे रहे हैं, मैंने देखा था यूनुस को वो औजार लेके बिराम आगा के दुकान पे जा रहा था। इतनी देर में दरवाजा खटता है और वो दरवाजा खोलती है तो आगे यूनुस होता है और कहते हैं कि शेख साहब ने बुलाया था। वो कहते हैं आज ही अंदर शेख अपने कमरे है, वो शेख के कमरे में जाते हैं, शेख जो है ला इलाहा का वर्ड कर रहे होते हैं। यूनुस वहां जाके अदब से सलाम करता है, शेख उससे पूछते हैं क्या तुम्हें पता है तस्बीह में हर 12 दानों के बाद मेहराब का दाना क्यों आता है। यूनुस आगे से कहता है मैं नहीं जानता। शेख मुस्कुराता और कहता है बैठो, ये 12 इमामों की वजह से जो है होता है, किसी और दिन मैं तुम्हें तस्बीह के बारे में तफसील से बताऊंगा। यूनुस कहता है कि मैं बिराम आगा की दुकान पर गया था, दुकान बंद थी, वो शिकार पे चले गए हैं। शेख कहते हैं अच्छा तो वो शिकार पे चले गए, चलो ऐसा करो जल्दी से उसके पीछे जाओ और उसको वापस लेके आओ, बिला तकलीफ अभी की अभी निकल जाओ और बिराम आगा को शिकार से वापस लेके आओ, वो अकचाल पहाड़ी पर होगा, वहीं वो शिकार करता है, जाओ जल्दी जाओ। ये सुनते ही यूनुस एकदम हैरान होकर देखता है, फिर उठता है और बाहर चल पड़ता है और बुड़बुड़ाता हुआ कहता है क्या इतनी अहमियत है इन औजारों की, ना दिन देखा ना रात, और मुझे भेज दिया बिराम के पीछे कि उसको लेकर आओ। रास्ते में कासिम आगा पूछता है क्या कहा शेख ने, वो आगे से कहता है मैं नहीं जानता। उसके बाद वो जो है अपना घोड़ा पकड़ता है, घुड़सवार का जो रखवाला होता है वो पूछते है कहाँ जा रहे हैं, क्या लंबे सफर पर जा रहे हैं। आगे से यूनुस कहता है मैं नहीं जानता, घोड़ा लेता है और चल पड़ता है बुड़बुड़ाता हुआ, यही कहता हुआ कि ना इस टाइम सूरज गुरूब होने वाला है, मैं चाहे किसी तकलीफ में फंस जाऊं लेकिन औजार ठीक होने चाहिए, मुझे भेज दिया है। शेख कासिम आगा से पूछता है यूनुस चला गया जी, वो कहते जी बुड़बुड़ाते हुए चले गए। वो कहते क्या बुड़बुड़ा रहा था, तो वो कहते वो बस हैरान थे कि इतनी शाम को मुझे बागबानी के औजारों के लिए भेज दिया है। तो आगे से शेख कहते कासिम आगा तुम क्या सोचते हो, कहते वो आगे से कहते अस्तगफिरुल्लाह, कहते क्या तुम भी यही सोचते हो कि कल अशूरा है और मुझे बागबानी के औजारों की पड़ी हुई है। ये कह के शेख आगे चल देते हैं। शेख जो है रात हो जाती है, ला इलाहा का वर्ड कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ यूनुस भी जो है बिराम आगा की तलाश में निकला होता है। रात हो जाती है, वो एक जगह रुक जाता है, अपने घोड़े को बांधता है, आग जलाता है और सो जाता है वहां पे जमीन पर ही।
दूसरी तरफ जो है विराम आगा शिकार पे होता है हसनु आगा के साथ। हसनु आगा असल में जो है विराम आगा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। रात को वो लोग भी सो जाते हैं जमीन पर ही, विराम आगा सोया होता है, हसनु आगा उठता है, उसके हाथ में खंजर होता है, वो मारने ही लगता है तो विराम आगा की आंख खुल जाती है, लेकिन उसको देखता नहीं, यानी उसको नहीं पता लगता कि मुझे कोई नुकसान पहुंचाया जाता है। वो कहता सोए नहीं तुम अभी तक हसनु आगा? वो कहते कि वो शिकार की इतनी खुशी है कि नींद ही नहीं आ रही। वो आगे से कहता है तो बात तो खुलगा, जल्दी से सो जाओ, सुबह शिकार करेंगे आप। कहते हाँ हाँ विराम आगा सो रहा हूँ। यूनुस भी सोया होता है तो एकदम आग तेज हो जाती है, आग की तपिश से उसकी फौरन आंख खुल जाती है, उसको समझ नहीं आती कि आग खुद ब खुद तेज कैसे होगी। खैर वो जो है क्षमा जलाता है और उसके बाद दोबारा अपना घोड़ा पकड़ता है और आधी रात को ही विराम आगा की तलाश में फिर पहाड़ी की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ जो है हसनु आगा फिर उठता है, थोड़ी देर बाद वो देखता है कि अब दोबारा विराम आगा सो गया है, विराम आगा फिर गहरी नींद में होता है। वो फिर जो है नुकसान पहुंचाने के लिए खंजर निकालता है, अभी वो मारने ही लगता है तो यूनुस की आवाजें जो कि पहाड़ी पे ही घूम रहा होता है आनी शुरू हो जाती है, विराम आगा ऊंची ऊंची। वो सोचता है कि इस आधी रात को ये कौन आवाजें लगा रहा है। इधर उधर हसनु आगा देखता है लेकिन कोई नजर नहीं आता। थोड़ी देर बाद जो है फिर जोर जोर से आवाजें आती है, विराम आगा, ये यूनुस आवाजें मार रहा होता है विराम को। आवाजों की आवाज से विराम की भी आंख खुल जाती है और वो कहता है ये सब कौन है, कहाँ से आवाज आ रही है, ये तो मुझे बुला रहा है कोई, लेकिन यहाँ पे कौन आ गया। इस तरह की वो बातें करके हड़बड़ा के उठ बैठता है और हसनु आगा का भी जो है शक्ल अजीब सी हो जाती है कि उसका मनसूबा खाक में मिल गया। थोड़ी देर बाद ही यूनुस वहां पे आ जाता है और आके कहता है कि जो है तुम्हें शेख साहब ने तलब किया। वो कहते आप इस वक्त खैर तो है, आधी रात को शेख साहब को क्या काम पड़ गया। वो कहते कि मुझे, मैं नहीं जानता, चलो मेरे साथ, अभी क्या अभी चलो, मुझे उन्होंने कहा तुम्हें साथ लेकर आऊं। वो कहते हैं कि सुबह चले जाएंगे, अब सुबह आधी रात हो गई है, इस टाइम जाना खतरे से खाली नहीं, सुबह सवेरे निकल जाएंगे, तुम भी इधर हमारे साथ आराम करो। उसका भी बिस्तर बिछा दी जाता और फिर सो जाते हैं, यानी कि यूनुस उनके साथ सो जाता है। और यहाँ पे एक तरह हसनु आगा जो कि विराम आगा को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसका मनसूबा नाकाम होता है। सुबह फजर की अजान हो जाती है, अशूरा के खाने की भी तैयारियां शुरू हो जाती है। खवातीन जो है शेख के घर में शेख की बीवी के पास आ जाती हैं और वो कहती है कि फातिमा बाजी नजर नहीं आ रही। वो कहती है फातिमा साहिबा नहीं आई और अजमी साहब भी नजर नहीं आ रहे। तो वो कहती है अजमी, सुना है कि शेख ने कोई उनके हक में फैसला नहीं दिया, इसलिए वो लोग नहीं आए। शेख की बीवी कहती है शेख के फैसले ऐसे हैं, किसी को पसंद आते हैं, किसी को पसंद नहीं आते। इतनी देर में शेख आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आप मुहर्रम की अहमियत जानते हैं? और खवातीन कहती हैं नहीं। तो कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मुहर्रम में पैदा हुए, नूह की कश्ती जो तूफान में जो है तूफान जब आया था वो भी मुहर्रम का महीना था, जब दरियाए नूह को हजरत मूसा ने दो टुकड़े किया वो भी मुहर्रम का महीना था, बनी इसराइल को निजात भी मुहर्रम के मेले में मिली थी। यही सबब है कि अशूरा पे जश्न मनाया जाता है, हजरत हुसैन की वफात से पहले भी ये मनाया जाता था। ये शेख कहते हैं खवातीन से और चल देते हैं। सुबह सवेरे विराम आगा की आंख खुलती है तो उसको आवाजें आती है हिरणों की। हसनु आगा कहता है देखो कैसे हिरणों की आवाजें आ रही है, हम बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं, अब हमें हिरण का शिकार वापस कर लेकर ही करके ही जाना चाहिए, तुम ऐसा करो इस यूनुस को वापस भेज दो, ये जाके शेख को कहे हम आ जाते हैं, जब हम बड़े बड़े हिरण शिकार करके लेके जाके पूरे नालियान की दावत करेंगे तो शेख भी खुश होंगे और खाना लोग रज के खाएंगे, मैं जो है अपने सर सारा इल्जाम ले लूंगा, मैं शेख को कह दूंगा, कोई भी अजर बयान कर दूंगा, तुम जब आप इतनी दूर आए हैं तो शिकार करके ही वापस जाते हैं, ये पास ही तो हमने और आगे जाना है और शिकार कर लेंगे, हसनु आगा ये विराम आगा को कहता है। दूसरी तरफ जो है शेख पूछता है कासिम आगा से यूनुस अभी तक नहीं आया? कहते नहीं हजूर नहीं आया। तो वो कासिम आगा कहता है कि उसको यहाँ के रास्तों का भी तो नहीं पता, काश आपने मुझे भेज दिया होता, मैं सारे रास्तों से वाकिफ हूँ। शेख कहता है कि क्या हर ताला एक ही चाबी से खुल जाता है? वो कहते हैं नहीं शेख। तो कहता है कि बस फिर समझ जाओ, जब हर ताला एक चाबी से नहीं खुलता तो हर काम एक बंदा भी नहीं कर सकता। विराम आगा यूनुस को कहते हैं ये पास ही जाना, चलो आओ तुम भी साथ आ जाओ। वो वहां पे जाते हैं तो थोड़ा से उतर के हसनु आगा जरा आगे जाता है, कहता है फिर भाग के वापस आते हुए कहते हैं दो मोटे ताजे हिरन मैंने देखे हैं, इतने वो हमारे लिए काफी होंगे, पूरे शहर के लिए काफी होंगे, आओ शिकार करके जाते हैं। लेकिन यूनुस कहता है कि वापस चलो, बस बहुत हो गया, मैंने मुझे उन्होंने कहा तुम्हें साथ लेकर आ रहा है।
लेकिन हसनू आगा बिराम जो बिराम आगा हसनू आगा की बातों में आ जाता है और कहता है कि तुम यूनुस वापस चले जाओ, मैं आ जाऊंगा। यूनुस कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी, और वो वहां से घोड़ा लेके वापस चल देता है। और हसनू आगा यहाँ पे अपनी साजिश खेलने में कामयाब हो जाता है और बिराम को लेके जंगल की तरफ चल पड़ता है। यूनुस जा रहा होता है तो एकदम जो घोड़ा है वो रुक जाता है और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। यूनुस उसको थोड़ा मारता है कि चलो चलो, लेकिन वो चलने से साफ इनकार कर देता है जैसे जमीन ने उसके कदम पकड़ लिए हो। यूनुस कह समझता है कि शायद थक गया होगा, कहता चलो तुम भी आराम करो मैं भी आराम करता हूँ। वो उसको भी दरख्त से बांध देता है, खुद भी दरख्त पे टेक लगा कर सो जाता है। ख्वाब में उसको आवाज आती है शेख एमरे की और वो कहता है कि जाओ अभी के अभी और बिराम को वापस लेकर आओ। ये सुनते ही जो है यूनुस हड़बड़ा के उठ बैठता है। और यहाँ पे ही एपिसोड 8 का इख्तिताम होता है। ये ड्रामे का शॉर्ट रिव्यू था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मुख्य फॉलोअर बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।